भारत पर हुकूमत कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए दो ही मुद्दे इस समय सबसे बड़े हैं। पहली तो है शादी और दूसरा गाय। अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से इन दोनों मामलों में अलख जगाए हुए हैं। कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहता, न योगी न खट्टर न शिवराज न रावत न सोनोवाल न जयराम। यूपी एमपी में तो अलग से गाय मंत्रालय बना दिया गया है। मध्य प्रदेश वाले शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा गौ कैबिनेट बना डाली। इसमें 6 मंत्री रखे गए हैं। सरकार गाय के नाम पर नया टैक्स थोपने की तैयारी में है। लेकिन मुझे लगता है कि गाय मंत्रालय के साथ साथ ही बीजेपी को अलग से लाश मंत्रालय के बारे में भी सोचना चाहिए। जी हां, लाश मंत्रालय, क्योंकि जिस तरह से देश में लाशों का अंबार लग रहा है उसे देखते हुए लाशों के प्रबंधन के लिए हर राज्य में अलग से लाश मंत्री बनाए जाने की जरूरत पड़ेगी। सरकारें अपने हिसाब से उसे मुर्दा मंत्री का नाम भी दे सकती हैं। हंसिए मत, जब मरी हुई गायों पर राजनीति हो सकती है, चुनाव लड़े जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं, तो आदमी की लाश तो फिर भी आदमी की लाश है। जिंदा इंसानों पर राजनीति होनी तो कब की बंद हो चुकी है, कम से कम मुर्दा इंसानों की देह पर ही राजनीति हो जाए। और देख लीजिएगा, यह होकर रहेगा, जरूरत ही ऐसी है। मेरे हाथ में 23 नवंबर 2020 का अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें लिखा है कि नोएडा में लाशों को जलाने के लिए 24 घंटे की वेटिंग है। जी हां, लाश जलाने के लिए 24 घंटे की वेटिंग। आपका शरीर गनगना जाएगा जब आप इसकी तह में जाएंगे। 22 नवंबर को एक निजी अस्पताल में संक्रमण से एक आदमी की मौत हो गई, जान चली गई। परिवार लाश लेकर सेक्टर 94 के मशान में पहुंचा। वहां ऑपरेटर ने बताया कि आपका नंबर 23 नवंबर को दोपहर बाद आएगा, मतलब कम से कम 24 घंटे बाद। तब तक लाश खुले में पड़ी रहेगी। और यह हालत तब है जब सीएनजी से भी लाशें जलाई जा रही हैं, जिसमें सिर्फ 40 मिनट का वक्त लगता है। अगर पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए लकड़ी से तो लगभग 4 घंटे लगते हैं। नतीजा 13 एकड़ के शमशान में लाशें ही लाशें रखी हुई थी। आपने दिल्ली की वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें लाइन से लाशें रखी हुई हैं अंतिम संस्कार किए जाने के इंतजार में। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी कहती हैं कि लाश चलाने के लिए 2 सीएनजी चैंबर की और जरूरत है। एक चैंबर खराब पड़ा है लेकिन फाइल पास होने में समय लग रहा है। इसीलिए मैं बीजेपी वालों से, मोदी जी से, योगी जी से, शिवराज जी से, शाह जी से, नड्डा जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि गाय मंत्रालय बना दिया है, बहुत अच्छा किया है, एक लाश मंत्रालय भी लगे हाथ बना दीजिए। यह बात तय मानिए कि इस देश में मानव जीवन की कीमत पर जो राजनीति हो रही है उसमें लाश मंत्री बहुत ताकतवर मंत्री होगा, गृह मंत्री की तरह। और यह मैं अंदाजे पर नहीं कह रहा हूं, हालात को देखते हुए कह रहा हूं। बारी से पहले लाशें जलाने के लिए परिवार वाले अफसरों से पैरवी करवा रहे हैं कि हुजूर, हमारा आदमी तो मर गया, उसे सड़क पर लेकर कब तक बैठे रहें, बारी से पहले जलवा दीजिए। दुनिया के हर विधान में गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की रवायत रही है, लेकिन बीजेपी वालों को गाय की गरिमा से फुर्सत मिले तब ना इंसान की गरिमा के बारे में सोचें। और जब मैं इंसान की गरिमा की बात कर रहा हूं तो जिंदा इंसान की गरिमा की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। मैं तो मुर्दा आदमी की गरिमा की बात कर रहा हूं। जीते जी तो आप उसकी हैसियत के हिसाब से अच्छी पढ़ाई की गारंटी दे नहीं सकते। किसी भी तरफ पढ़ लिख जाए तो रोटी रोजगार काम की गारंटी नहीं दे सकते। इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि किसी इंसान को इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मरने नहीं देंगे। एम्स से लेकर सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, जीबी पंत अस्पताल के बाहर फुटपाथों पर जाड़े की रातों में कांपते हुए लोगों को तो आप जमाने पहले मरा हुआ मान चुके हैं साहब। एक एक सर्जरी के लिए बरसों बाद की तारीख मिलती है, मामूली जांच के लिए महीनों का इंतजार है। गाय के लिए आप शहर बसा रहे हैं, बसाइए, लेकिन आदमी को बिना इलाज फुटपाथों पर तड़पा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है बाबू। चलिए छोड़िए इसे, सरकारों से मानव गरिमा की बात करना नैतिकता की किसी भी किताब में नहीं आता। कम से कम मर जाने के बाद तो उसे सम्मान से जल जाने का अधिकार दीजिए, इतना तो कर दीजिए,
कुछ तो सोचिए।